मध्य प्रदेश के किसानों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस हर जिले में किसान न्याय यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस की शुरुआत 10 सितंबर को मंदसौर से करेगी। इसके बाद कांग्रेस हर जिले से अलग अलग किसान न्याय यात्राएं निकालेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, पूरे प्रदेश के साथ एमपी में भी किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। किसानों की मुसीबत के समय कांग्रेस उनके साथ है। पटवारी ने कहा कि प्रदेश के सोयाबीन किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार को किसानों को समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देनी चाहिए। सोयाबीन का भाव 6000 रुपए क्विंटल किए जाने की भी कांग्रेस ने मांग की है। इस यात्रा में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मैदान में उतरकर सरकार को घेरेंगे। मैं निंदा करता हूं शिवराज सिंह चौहान की, भर्त्सना करता हूं, और उनके झूठ पर जितनी उनकी उनके खिलाफ बात हो सकती है वो सबको, पूरे प्रदेश को और मीडिया को करनी चाहिए। 20 साल मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के किसी एक व्यक्ति को अगर किसी इस जनता ने अधिकार दिया, कितना बड़ा एहसास है। और उसी मुख्यमंत्री रहते हुए आज कृषि मंत्री है देश के, उन्होंने किस तरीके का धोखा इस देश के प्रदेश के किसानों से किया। न 2700 के दाम दिए, न 3100 के दाम दिए, न सोयाबीन के भाव दूसरी जगह बढ़ाने की बात की, मध्य प्रदेश के नहीं बढ़ा। आखिर ये धोखा क्यों, ये बदला क्यों, क्या गलती है किसान के बेटों? आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।